हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी ए पीयूष शर्वानी। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आईटीआर यू फॉर आईटीआर वन, आप कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, जो लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। मार्च 22 का जो फाइलिंग था आईटीआर का, वो वाला प्रोसेस हम कवर करेंगे आईटीआर यू के बदले, आईटीआर यू के जरिए, क्योंकि उसका डेडलाइन जो था 31 दिसंबर 2022 वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो अभी अगर आपको आईटीआर फाइल करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आईटीआर यू के थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं। आईटीआर वन एप्लीकेबल होता है सैलरी के केस में, अगर आपकी इनकम सैलरी की है, हाउस प्रॉपर्टी की है एंड अदर इनकम सोर्सेज है, तो आपके लिए आईटीआर वन एप्लीकेबल होता है। प्लस उसमें एक लिमिट है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख के नीचे है तो ही आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको एप्लीकेबल है आईटीआर वन, तो आप ये वीडियो देखिए एंड आईटीआर यू आप कैसे फाइल कर सकते हैं आईटीआर वन, वो आप इस वीडियो से जान सकते हैं फुल प्रोसेस स्टार्ट टू एंड। एंड आईटीआर यू में आपको नील रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते, तो आपको मिनिमम 1000 का लेट फीस आएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप 2.5 के बिलो अगर आप इनकम शो करेंगे तो आपका वो आईटीआर सबमिट नहीं होगा। ओके, तो डायरेक्टली चलते हैं प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स की साइट पे, incometax.gov.in। यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, अब डाउनलोड पे जाइए। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 22-23 एंड नीचे आप जाएंगे तो आपको आईटीआर 1 पे क्लिक करके यहाँ से ये फाइल यूटिलिटी एक्सेल बेस, ये वाला फाइल आपको डाउनलोड करना है। हम इसको डाउनलोड कर देंगे तो ये आपका डाउनलोड फोल्डर में यूटिलिटी फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये एक्सेल बेस फाइल है जिसको आपको फिल करना है, जिसके थ्रू आपको जैसन फाइल क्रिएट करना है एंड वो आपको अपलोड करना है आईटीआर के टाइम पे। ओके, तो एक्सेल बेस यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपको फोल्डर में जाना है जहाँ पे डाउनलोड हुआ है एंड आप देख सकते हैं जिप फाइल आपको होगा, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको फोल्डर पे जाना है एंड ये आपका एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी यहाँ पे रहेगा, इसको आप ओपन कर लीजिए, इसको आप एनेबल एडिटिंग कर दीजिए। अब आपको ये डिटेल पूरा फिल करना है आईटीआर यू के लिए, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक फाइल लगेगा जिसमें प्री डाटा रहता है एक एसएससी का। उसके लिए आपको वापस जाना है इनकम टैक्स की साइट पे, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके प्रोफाइल से, जिसका आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं उस प्रोफाइल से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे हम लॉगिन कर देंगे एसएससी के प्रोफाइल से, एन नंबर देन आपका आपका कस्टमाइज पासवर्ड जो भी रहेगा आपको वो इंसर्ट करके यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपके पास एक लास्ट ऑप्शन रहेगा डाउनलोड प्रीफिल डाटा, तो इस पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आपका एक फाइल होगा, जैसन फाइल होगा जो डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आपको जो एक्सेल यूटिलिटी थी हमारी आईटीआर, इसको हमने एनेबल एडिटिंग कर दिया तो इन्होंने पॉपअप दिया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट फाइल इंपोर्ट जेसन, तो इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे एंड वो जो फाइल अभी हमने प्रीफिल डाटा का हमने डाउनलोड किया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन करना है। अब देखेंगे कि आपके जो भी बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट, तो कुछ टाइम उसको डाटा प्रीफिल करने में टाइम लगेगा। तो एक बार पूरा प्रोसेस हो गया तो आपका जो भी बेसिक डाटा रहेगा एसएससी का वो यहाँ पे पूरा प्रीफिल हो जाएगा। तो उसको आप सिर्फ एक बार चेक कर लीजिए, आपका नेम, पैन नंबर, आधार नंबर सब करेक्टली इंपोर्ट हुआ है या नहीं, एड्रेस आप चेक कर सकते हैं। ओके, देन डेट ऑफ बर्थ, देन आपको स्टेट चेक करना है, देन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग आपको सब कुछ चेक करना है। आपको यहाँ पे वो डिमांड कर रहा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सैलरी के केस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयर कौन से कैटेगरी में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में है, पेंशनर है आप, या पब्लिक अंडर पीएसयू बैंक है, पीएसयू यूनिट है, तो हमारा प्राइवेट है तो प्राइवेट के लिए आपको अदर्स सिलेक्ट करना है।
आपको वो सिलेक्ट आज करेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, तो ये हम यहाँ पे हम नो कर देंगे। ओके तो हमने न्यू रेजिम नो कर दिया है। एंड जो भी अदर कंडीशंस थी आईटीआर फाइल करने की, 1 CR अगर आपने डिपॉजिट किया है या एक्सपेंडिचर किया है, 2 lakhs अबव ऑन फॉरेन ट्रेवल, इस कैटेगरी में अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। हमारे बेसिक लिमिट के ऊपर हमारा इनकम है तो हम सिंपल आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो जाता है उस रीजन की वजह से, तो यहाँ पे हमारा नो आएगा। देन हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होगा, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। देन वो आप पूछ रहे हैं कि आप कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में आप ये आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके ड्रॉपडाउन में आप देखेंगे तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है। आपके पास ओरिजिनल रिटर्न है सेक्शन 139(1) का, बिलेटेड रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है, कंडोनेशन ऑफ डिले है एंड सेक्शन 139(8A). दोस्तों जो अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग होता है वो आता है सेक्शन 139(8A), ये सेक्शन के अगेंस्ट में, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है अगर आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके दो टैब ओपन हो जाएंगे, एक पार्ट ए सेक्शन 139(8A) एंड पार्ट बी ATI। ओके ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ जब आप अगर आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर आप अगर फाइल कर रहे हैं तो ही आपको ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। देन अगर आप रिवाइज रिटर्न या डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, हमारा ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया तो ये हमको एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है तो अभी हम डायरेक्टली जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जहाँ पे वो आपको डिटेल पूछेगा कि आप आपका जो भी इनकम का डिटेल है वो आपको यहाँ पे वन बाय वन इंसर्ट करना है, जो भी आपका डिटेल्स रहेगा। तो अगर आप फॉर्म 16 से ITR-1 फाइल कर रहे हैं, आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है, आपका डिटेल डिडक्ट हुआ है, तो आपको डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट करनी है एज पर फॉर्म 16 सैलरी की। एंड अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है बट आप सैलरीड है एंड आपकी इनकम 2.5 के ऊपर है तो आपकी जो भी ईयरली टोटल इनकम रहेगी आपको सारे मंथ्स का टोटल करना पड़ेगा सैलरी का, एंड उसका डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आपको एज इट इज फॉर्म 16 से डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम सैलरी डिटेल डाल देंगे, हमारे पास फॉर्म 16 नहीं है बट हमारे पास हमको मंथली सैलरी हमको हमारी पता है हमारे क्लाइंट्स की, तो हम वो डिटेल यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे जो हमें इन्फॉर्म किया हुआ है। तो अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आपको जो फॉर्म 16 में डिटेल आई हुई है सैलरी की वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले सैलरी, आपका जो भी ग्रॉस सैलरी रहेगा वो डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) जो है हमारा 4,20,000। देन अगर परक्विजिट है तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, एंड प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी है तो एज पर डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करना है। एंड तो अगर आपको कोई भी अलाउंसेस का एग्जम्पशन लेना है, HRA हो गया, लीन कैशमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, लीन ट्रैवल कंसेशन हो गया, आपको यहाँ पे अमाउंट कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके आगे आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे HRA का एक क्लॉज रहेगा, एक्सपेंडिचर अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। अगर आपका HRA आ रहा है फॉर्म 16 में या आपके कैलकुलेशन में तो आप यहाँ पे एग्जम्पशन अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। हमारे इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, हम यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक दे दिया है जो सैलरी को एप्लीकेबल है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है, एंड फॉर्म 16 में आप इजिली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है या नहीं। देन हम जाएंगे सेकेंड कैटेगरी में, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी रेंटल पे दी हुई है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करके उसका इनकम डिस्क्लोजर यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर आप होम लोन पे रहते हैं, मतलब आप खुद के इसमें घर पे रहते हैं एंड उस पर आपने होम लोन लिया हुआ है, तो उस केस में आपको सिलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड आपको रिसिप्ट का कुछ भी डिटेल वो नहीं डिमांड करेगा, आपको सिर्फ डिमांड करेगा ओनली इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल। अगर आपने होम लोन पे कुछ भी इंटरेस्ट पे किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अगर आपका कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी इनकम या होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी सिंपल सिलेक्ट नहीं कीजिए, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। हम जाएंगे थर्ड इसमें जो है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस कैटेगरी में आप इंटरेस्ट इनकम, FD इनकम और एनी अदर कैटेगरी जो इस में फॉल नहीं होती है, बाकी एड्स में फॉल नहीं होती है,
उसका डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, जैसे कि कमीशन हो गया, वन टाइम कमीशन हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, एफडी इंटरेस्ट हो गया, आपको लास्ट ईयर के रिफंड पे, इनकम टैक्स रिफंड पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है, तो आप सारी कैटेगरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है वो डिटेल हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, और हमारी और कोई भी अदर इनकम नहीं है। हम सिंपल आईटीआर फाइल कर रहे हैं बेसिक डिटेल्स के साथ जो एप्लीकेबल होता है मेजरली ऑफ कैटेगरीज ऑफ पर्संस को। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का डिटेल इंसर्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे, अगर आपका कोई भी डिविडेंड इनकम है तो आपको उसको कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन करना है, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा अमाउंट। देन हम जाएंगे डिडक्शंस में, तो डिडक्शंस में बेसिक डिडक्शंस अवेलेबल है इंडिविजुअल को, ATC, ATCC, पेंशन फंड, LIC का अगर आपका कोई भी क्लेम करना है तो वो ATC में जाएगा, अगर आपको पेंशन फंड का क्लेम करना है तो आपको 80CCC में जाना पड़ेगा, अगर हमने पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट किया तो आपको CCD1 में सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको रिस्पेक्टिव जो भी आपका इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन है आपको पार्ट सी डिडक्शन एंड टैक्सेबल इनकम में आपको यहाँ पे डिटेल इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो हमारा 80C में हमारा LIC अमाउंट एंड पेंशन जो प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है वो अमाउंट हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, और हम नीचे जाएंगे, हमारे इसमें कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस हमारे इसमें एप्लीकेबल नहीं है, हमारे इसमें जो एप्लीकेबल है वो है सेक्शन 80DTA, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है उसका हमको बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है अप टू 10,000 अगर आपका है तो आप उसका फुल्ली डिडक्शन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा अमाउंट था इंटरेस्ट अमाउंट जो हमने अदर सोर्सेज में मेंशन किया था 2415 उसका हम डिडक्शन ले सकते हैं 80DTA में अप टू 10,000, तो हम वो पूरा का पूरा क्लेम करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी टोटल डिडक्शंस आ गए हैं 26,415 एंड हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई है 3,46,000। अब हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन होगा, अभी वो इंसर्ट नहीं हुआ है कैलकुलेशन पर क्योंकि हमने कैलकुलेट टैक्स पे डिटेल अभी तक क्लिक नहीं किया, हमें सारे डिटेल्स यहाँ पे जो भी हैं ईच टैब पे डिटेल फिल करना बाकी है। अब हम जाएंगे सेकेंड टैब पे, पार्ट ए जनरल सेक्शन 139(8)(a) तो ये वाले टाइप पे आपको जो भी ITRU रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे या उन्होंने जो भी आप एप्लीकेबल है आपको ITRU या नहीं उससे रिलेटेड आपको कुछ आपको टिक्स करने पड़ेंगे, उसका डिटेल यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, पैन नंबर, नेम एंड आधार नंबर एंड असेसमेंट ईयर। उसके बाद वो डिमांड कर रहे हैं कि आपने पिछले साल में रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, तो अगर आपने पिछले साल में रिटर्न फाइल किया है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, आपको नीचे उसका डिटेल डालना पड़ेगा ओरिजिनल रिटर्न या आपने रिलेटेड रिटर्न जो भी फाइल किया रहेगा उसका रिटर्न का डिटेल आपको डालना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग। ओके, एंड अगर आपने पिछले साल में रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप सिंपली यहाँ पे नो कीजिए। तो हमने पिछले साल में रिटर्न फाइल नहीं किया था, जो हम असेसमेंट 22-23 का है हम डायरेक्टली ITRU फाइल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। देन हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने यस सिलेक्ट नहीं किया तो हमको ये वाला टैब एप्लीकेबल नहीं होगा जिसमें आपको ओरिजिनल रिटर्न की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्टली जाएंगे आर यू एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न एज पर कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 139(8)(a)। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप एक्चुअली एलिजिबल हो ITRU फाइल करने के लिए या नहीं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे यस करने के बाद आपको नीचे वो रीजन पूछेगा कि आप कौन से रीजन से आप ITR आप अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शंस रहेंगे कि आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं किया आप फाइल करना चाहते हैं विद टैक्स अमाउंट जो कि आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है वो, या तो आपने इनकम पिछले रिटर्न में आपने गलत फाइल कर ली थी आपने करेक्टली फाइल नहीं की थी, आप इनकम को कम नहीं कर सकते हो जो भी आपने लास्ट रिटर्न में फाइल किया रहेगा उससे बढ़ा सकते हो आप कम नहीं कर सकते हो, अगर आपने इनकम रॉन्ग हेड में डिस्क्लोज कर दी थी जिसकी वजह से अभी लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई है तो आप ये वाला हेड सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस हैं और भी अवेलेबल्स। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, तो हमने वो सिलेक्ट कर दिया। उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो आप यहाँ पे दोस्तों दो कैटेगरी है, अगर आपको एक्सपायरी वन ईयर हुआ है फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तो आपको
सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इस केस में क्या होगा कि जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा वो आपका 25% से इंक्रीज होगा। एंड अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं जो आपका 12 टू 24 मंथ एक्सपायर हो चुके हैं रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें आपको आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी में प्लस 50% आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 50% ऐड हो जाएगा जिसको आपको पे करके आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो हमारा 12 मंथ में कंसिडर होता है, 12 मंथ सिलेक्ट कर देंगे। इनकम डिटेल ऑलरेडी फिल कर दिया है, टीडीएस डिटेल हमारा है नहीं है, आपका अगर टीडीएस डिटेल कुछ भी रहा तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपके बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप टीडीएस एंड टैक्स अमाउंट एक ही बार क्लेम कर सकते हैं, आप उसको दो बार क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आप वो ध्यान में रखिए कि आपने पिछले आईटीआर में जो अभी आपने फाइल किया रहेगा ओरिजिनल आईटीआर में, उसमें आपने वो चालान या टीडीएस क्लेम किया है या नहीं किया। देन आपको जाना है टीसीएस में, अगर आपको कुछ भी टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे केस में टीसीएस नहीं है तो हम डायरेक्टली जाते हैं नेक्स्ट टैब पे, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन टैब पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका समरी रहेगा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक बैंक डिटेल अकाउंट ऐड होना जरूरी है। अगर आपके इनकम टैक्स के प्रोफाइल में कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल रहेगा तो यहाँ पे वो प्रीफिल डेटा में ऑटो कैच कर लेगा। अगर आपके इसमें कोई भी बैंक डिटेल ऐड नहीं है तो आपको मैनुअली यहाँ पे एक बैंक डिटेल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी है, इसके बिना आपका जैसन फाइल क्रिएट नहीं होगा जो अपलोडिंग फाइल रहता है। एंड आपको एक बैंक अकाउंट पे रिफंड के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आपका रिफंड हो या ना हो आईटीआर में आपको एक बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना कंपलसरी है। देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, नीचे आएगा आपका वेरिफिकेशन टैब जिसमें नाम, फादर नेम, कैटेगरी मतलब कैसे आप कैपेसिटी रहेगा आपका जो भी फाइलिंग करने का, पैन नंबर, एंड यहाँ पे आपको प्लेस पूछेगा जिसमें आपका प्लेस आ जाएगा कि आप कहाँ से फाइल कर रहे हैं। ओके, ये भी हमने वेरिफिकेशन टैब भी हमने पूरा फिल कर दिया है, तो हम यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे शीट इज ओके। देन हम जाएंगे नेक्स्ट टैब पे, पार्ट बी एटीआर, जिसमें आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जो भी अपडेटेड आईटीआर का रहेगा वो आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि आप कौन से हेड में आप एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं। अगर आपने पिछला आईटीआर फाइल किया हुआ है एंड उसमें आपने कोई भी इनकम शो की है, एग्जांपल में अगर बता दूं कि हमने सैलरी इनकम हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया रहेगा जिसमें हमने 2 लाख शो किया था, अभी हमने दिखाया 4,20,000, तो आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, आप एडिशनल इनकम कौन से हेड के अंदर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 2,20,000 जो एडिशनल इनकम है सैलरी के हेड के अंदर, आपको वो अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। पर हमने पिछला रिटर्न नहीं फाइल किया है तो यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं आएगा। आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर का तो आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है। अगर आप पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं, आप अभी इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो भी इंक्रीज इनकम रहेगा वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पे 0 आएगा, एवरीथिंग विल बी 0। यहाँ पे अपडेटेड आईटीआर वो टोटल अमाउंट ले लेगा जो टैक्सेबल इनकम रहेगा, ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट वो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल अभी फिल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस पे इस शीट पे हम वापस एक बार लेके आ जाऊंगा। देन हम जाएंगे सेक्शन 80D में, अगर आपका कुछ भी मेडिकल इंश्योरेंस है खुद का या फैमिली मेंबर का एंड वो सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको नो करना है। ओके, हमें में सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम यहाँ पे हमने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्चा नहीं किया तो यहाँ पे हमारा 0-0 रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है जिसका आप मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हैं या आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम किया है तो यहाँ पे आपको डिटेल इंसर्ट करना है। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको यस करना है, आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। ओके, तो हम यहाँ पे नो करेंगे एंड यहाँ पे भी हमने कुछ भी अमाउंट एक्सपेंडिचर नहीं किया है तो हम 0-0 अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो हमने ये भी डिटेल फिल कर दिया है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट डिटेल में जो है डोनेशन का। तो हमारा डोनेशन भी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप केस में एप्लीकेबल है तो आप रिस्पेक्टिव हेड के अंदर डिटेल फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आएगा डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च जो हमारे इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो ये भी हम डिटेल फिल नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे लास्ट में आने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलकुलेट टैक्स का आपके पास ऑप्शन रहेगा एंड जो आपको स्टार्टिंग में भी एक मेन पेज पे भी रहेगा कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन।
ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कुछ भी एरर रहा, कोई डिटेल फिल करना पेंडिंग रहा, तो यहाँ पे उसका पॉपअप आ जाएगा। अगर आपने सब कुछ करेक्टली फिल किया है तो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो कैलकुलेट टैक्स करने के बाद वो हमें इनकम डिटेल पे वापस लेके आया, जिसमें हम नीचे देख सकते हैं कि आपका कुछ भी टैक्स अमाउंट आ रहा है या नहीं। तो अब नीचे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारा टैक्स अमाउंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा 4,800 का टैक्स आ रहा था, जिसका उन्होंने रिबेट फुल्ली कवर कर लिया है, जो अमाउंट रहता है रिबेट का 12,500 तक। तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 12,500 तक आती है तो आपको फुल्ली रिबेट मिल जाता है, बट आपको लेट फीस 1,000 का एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ पार्ट बी एटीआई पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने 1,000 का लेट फीस जो वहीं से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे तब तक आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका रिटर्न फाइल क्रिएट नहीं होगा, आप टैक्स पेबल करके आईटीआर व्यू अपलोड नहीं कर सकते हैं, ये जीरो होना कंपलसरी है। तो अब हम पेमेंट करेंगे, तो 1,000 का लेट फीस है आईटीआर व्यू फाइलिंग के टाइम पे, हम उसका पेमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहले आपको वापस जाना है इनकम टैक्स की साइट पे। ठीक है, आपने लॉग इन किया था वो प्रीफिल डाटा डाउनलोड करने के लिए, आपको ऑलरेडी लॉग इन होगा। आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स में जाना है आपको। तो ई पे टैक्स में जाने के बाद आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं न्यू पेमेंट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक कीजिए। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करने के लिए, यहाँ पे आप पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, हमारा सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, देन टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सिलेक्ट करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ओके, देन आपको जाना है कंटिन्यू पे। आपको यहाँ पे 1,000 का लेट फीस आ रहा है, वो आपको 1,000 अमाउंट डालना है, लेट फीस पे कर रहे हैं हम इस पे इनकम टैक्स पेमेंट पे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे सेपरेट वीडियो भी कवर किया है, वो भी देख सकते हैं, बट हम इस वीडियो में भी हम कवर कर रहे हैं। 1,000 का लेट फीस हमने टैक्स अमाउंट में मेंशन कर दिया है, आपको कुछ और डिटेल यहाँ पे फिल नहीं करना है, बट आपका टैक्स अमाउंट अगर आपका आ रहा है तो टोटल अमाउंट यहाँ पे टैक्स अमाउंट में मेंशन कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास वेरियस मोड्स ओपन हो जाएंगे कि आप इसका टैक्स का पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, हेड बैंक काउंटर, आरटीजीएस एंड पेमेंट गेटवे। ओके, तो नेट बैंकिंग में यहाँ पे लिस्टेड बैंक ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बट अगर आपका इनमें से कोई बैंक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको जाना है पेमेंट गेटवे का ऑप्शन। बट अगर आपका इनमें से कोई बैंक है तो आप यहाँ से डायरेक्टली बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप पेमेंट पे जा सकते हैं। मैं जाता हूँ पेमेंट गेटवे पे, क्योंकि मेरा HDFC बैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन हमको तीन बैंक देते हैं, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, और ये बैंक सेपरेटली पेमेंट गेटवे फैसिलिटी यूज करने के लिए ट्रांजेक्शन चार्जेस चार्ज करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा ट्रांजेक्शन चार्जेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप फेडरल बैंक का पेमेंट गेटवे यूज करेंगे और नेट बैंकिंग से आपको कोई भी बैंकिंग होगा वो आप बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, आपको ये रिस्पेक्टिव चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल HDFC से 12 रुपए, ICICI बैंक से 9 रुपए। ओके, ऐसे हर एक कैटेगरी का उन्होंने चार्जेस डिफाइन किया हुआ है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है नीचे। ओके, एट 7% प्लस एप्लीकेबल GST अमाउंट आपको चार्ज होगा नेट बैंकिंग से, एंड कैनरा बैंक से आपको कोई भी नेट बैंकिंग फैसिलिटी से आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, हम कैनरा बैंक सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ कैनरा बैंक का पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, आपका जो भी बैंकिंग रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा HDFC बैंक है, आप उससे पे कर सकते हैं डायरेक्टली। सिर्फ पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के लिए आपको कैनरा बैंक सिलेक्ट करना है, आपको जरूरी नहीं कि आप कैनरा बैंक से ही पे करेंगे। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपका चालान क्रिएट हो जाएगा, आपका चालान का समरी रहेगा डिटेल्स, अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। आपको जाना है पे नाउ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का एक पॉपअप आएगा, जिसको आपको क्लिक करके एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक करना है।
जैसे ही आप सबमिट टू बैंक करेंगे, पहले आपको पेमेंट गेटवे का पेज ओपन होगा जहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है। ओके, आपको जो भी फैसिलिटी यूज करनी है वहां से कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पे करूंगा, नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका बैंक, यहाँ पे मेरा एचडीएफसी बैंक फर्स्ट पेज पे शो नहीं हो रहा है, आपको सर्च बैंक पे क्लिक करना है, देन आपको टाइप करना है एचडीएफसी। यहाँ पे आपके पास आ चुका है एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये आपको रोटेट करेगा एचडीएफसी की नेट बैंकिंग की साइट। मैं इसके आगे का प्रोसेस इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे नेट बैंकिंग पेज पे आने पर आपको सिंपली लॉगिन करना है आपके क्रेडेंशियल्स के साथ, आपको सिंपली पेमेंट कंप्लीट करना है, देन आपको वो रोटेट करके आएगा आपको इनकम टैक्स की साइट पे आपका चैलेंज सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद। ओके, अब मैं जाता हूँ डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे। चालान पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका कुछ इस तरह से चालान का ऑप्शन आ जाएगा, ये चालान डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो ये आपका चालान डाउनलोडेड रहेगा वो इस तरह से आपको शो होगा। ओके, वापस जाएंगे एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल में आपको जाना है पार्ट बी पीटीआई पे। ओके, यहाँ पे जो आपने चालान अमाउंट पे किया है वो उसका डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। टैक्स पेमेंट डिटेल, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B, यहाँ पे आपको चालान का डिटेल अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसआर कोड मेंशन है 0240129, देन डेट ऑफ डिपॉजिट 63, देन चालान सीरियल नंबर 27820, देन अमाउंट। जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे, डिटेल इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आपका टैक्स पेड अंडर 140B आ जाएगा 1000 और टैक्स ड्यू आ जाएगा 0। अब आपका फॉर्म फिलिंग, जो आईटीआर ड्यू के लिए फॉर्म फिलिंग है, वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसको फिर भी क्रॉस चेक पूरा डिटेल कर सकते हैं। चालान डिटेल अपडेट होने के बाद आपको वापस आना है इनकम डिटेल्स पे। इनकम डिटेल्स पे आने के बाद आपको ये बात यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर ऑप्शन रहेगा जनरेट जेसन फाइल, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो एक बार आपको पॉपअप आ रहा है कि प्लीज इंश्योर टू क्लिक कैलकुलेट टैक्स बटन बिफोर जनरेटिंग जाना, तो इसको ओके करेंगे। एक बार कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, आपका टैक्स फिर से रिकैलकुलेट होगा सब कुछ। टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आप एक बार वापस पार्ट बी एटीआई पे आइए। आप सिर्फ देख लीजिए कि आपका टैक्स ड्यू अमाउंट 0 है। आपको वापस आना है इनकम डिटेल पे, इसमें आपको क्लिक करना है जनरेट जेसन फाइल पे। ओके, तो यहाँ पे एक बार पॉपअप आएगा, आप इसको ओके कीजिए। ओके कीजिए, आपके पास लास्ट ऑप्शन आएगा क्लिक सेव बटन टू जेसन फाइल। यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे समरी पेज एक न्यू ओपन हो जाएगा, जहाँ पे राइट साइड पे सेव जेसन फाइल का ऑप्शन रहेगा, आप इसको सेव पे क्लिक कीजिए। ये आपका जेसन फाइल सेव कर देगा आपके फोल्डर पे, आपका एक यहाँ पे पाथ मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपका जेसन फाइल सेव हो जाएगा। अब इसको ओके करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, आपका जेसन फाइल सेव हो चुका है, हम डायरेक्टली फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे आपका जेसन फाइल सेव होगा, जहाँ पे आपका आईटीआर का एक्सेल यूटिलिटी है वहीं पे आपका जेसन फाइल सेव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जेसन फाइल है, अब इसको आपको अपलोड करना है इनकम टैक्स की साइट पे। वापस इनकम टैक्स पे जाएंगे, आपको लॉगिन करना है आपके क्रेडेंशियल से। सबसे पहले पैन नंबर, देन आपका पासवर्ड, ओके। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जाने के बाद आपको वो असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कीजिए, देन फाइलिंग टाइप आपको सिलेक्ट करना है। फाइलिंग टाइप में आपको सिलेक्ट करना है सेक्शन 139A अपडेटेड रिटर्न, हमने सिलेक्ट कर दिया। वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A, यहाँ पे आपको नो क्लिक करना है।
आपको सेलेक्ट करना है आपका आईटीआर का टाइप, जो आपका है आईटीआर 1, यानी कि केस में आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको एक पॉपअप आएगा कि आपका इन कैटेगरीज में आपका अपडेटेड रिटर्न आपने अगर फाइल किया तो आपका वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ओके, आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको अटैच फाइल में वो जेसन फाइल जो आपने डाउनलोड सेव किया था, डाउनलोड नहीं सेव किया था, वो जेसन फाइल आपको सिलेक्ट करना है। ये फोल्डर में हमारा जेसन फाइल सेव था, तो ये आप देख सकते हैं हमारा जेसन फाइल है। हम इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपका कुछ भी एरर रहेगा तो आपको यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, एरर का पॉपअप आ जाएगा। ओके, हमारे इसमें कुछ भी एरर नहीं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। आपको जाना है प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको तुरंत ही इसको आधार ओटीपी या कोई भी माध्यम से आपको इसको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन हो जाएंगे। आप आधार के थ्रू, सिंपल सबसे सिंपल प्रोसेस है, आप आधार के थ्रू इसको ओटीपी जनरेट करके वेरीफाई कीजिए। अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन थे, आप नेट बैंकिंग से ओटीपी जनरेट कर सकते हैं, ईवीसी बोलते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट से ओटीपी जनरेट करेंगे तो आपका ईवीसी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे, आप वो ईवीसी भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप आधार के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके अब यहाँ पे जनरेट आधार पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आधार वेरिफिकेशन का एक ओटीपी सबमिशन का एक विंडो ओपन होगा एंड उसको आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। आपका पूरा आईटीआर यू अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया स्टार्ट टू एंड आईटीआर 1 अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, विद पेमेंट प्रोसेस, विद पेमेंट फीस पेमेंट प्रोसेस एंड अपलोडिंग प्रोसेस भी हमने पूरा कवर किया है। तो दोस्तों, हमने पूरा प्रोसेस कवर किया आईटीआर 1 इन अपडेटेड आईटीआर के थ्रू आप कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 व्हिच इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन मार्च 22। अब हम कवर करने वाले आईटीआर 1 अपडेटेड आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। मोर और लेस 99% प्रोसेस सिमिलर है, थोड़ा सा माइनर चेंजेस हो सकता है डाउनलोडिंग एंड उसका जो प्रीफिल डाटा रहेगा। ओके, अंदर का फिल जो डाटा फिलिंग रहेगा वो सेम प्रोसेस रहेगा, फिर भी मैं आपको इसको एक बार 1-to-1 पूरा गो थ्रू कराना चाहता हूँ। ये मुझे लगता है कि आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि अगर आप फॉर द फाइनेंस असेसमेंट ईयर 21-22 का आप आइडिया यू फाइल करेंगे तो उसका आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको incometax.gov.in पे आना है, आपको लॉग इन करना है आपके प्रोफाइल से, देन आपको ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में डाउनलोड प्रीफिल डाटा पे क्लिक करना है। ओके, देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली हमारा 21-22 रहेगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो 21-22 आप सिलेक्ट कीजिए, देन डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो आपका प्रीफिल डाटा जैसन फाइल क्रिएट जनरेट हो चुका है, आप इसको लॉगआउट कर लीजिए। लॉगआउट करने के बाद आपका जो इनकम टैक्स का डैशबोर्ड रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। देन आपको जाना है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है 21-22। देन आपको आईटीआर 1 का एक्सेल यूटिलिटी, जो है यहाँ पे आईटीआर 1 का एक्सेल यूटिलिटी, ये आपको डाउनलोड करना है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो सेम प्रोसेस है, हमने पहले 22-23 का डाउनलोड किया था, अब 21-22 का डाउनलोड कर रहे हैं। तो हमारा डाउनलोड फोल्डर में हमारा ये जनरेट हो चुका है, हम डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे। तो हमने प्रीफिल डाटा हमारे पास सेव्ड है, हमारे पास आईटीआर यू का एक्सेल यूटिलिटी है जो टिप फाइल में रहेगा, इसको आप पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास फोल्डर पे ये एक्सेल यूटिलिटी रहेगा जिसको ओके। तो ये ओपन करने के बाद सबसे पहले आप इसके मैक्रोस एनेबल कर दीजिए ताकि कोई भी डाटा फिलिंग में आपको दिक्कत नहीं जाए, तो डबल एरर आएगा, एनेबल कंटेंट पे क्लिक कीजिए। अब आप इसको रेडी टू फिल कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे, आपका इसमें कुछ भी डाटा नहीं है अभी, तो हम इम्पोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे ताकि आपको बेसिक डिटेल मैनुअली इम्पुट ना करना पड़े। आप इसको ओके कीजिए एंड यहाँ पे जो आपने प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया था जस्ट लास्ट स्टेप पे, आप वो वाला फाइल सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लीजिए।
आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा जब कि पूरा डाटा जो है वो मैन्युअली फिल नहीं करना पड़े एंड ऑटो पॉपुलेटेड आ जाए जो भी आपने जैसन फाइल प्रीफिल का डाउनलोड किया था उसके थ्रू। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका पूरा बेसिक डिटेल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है एंड अब हम इसको फिल करना शुरू करेंगे। तो बेसिक डिटेल्स जो रहेंगे, नेम, पैन नंबर, आधार कार्ड, ये ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। ओके, एड्रेस भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है एड्रेस में भी। ओके, आप डायरेक्टली नीचे आ सकते हैं। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, अदर्स। तो हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम अदर्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन वो आस्क कर रहा है कि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली नो करेंगे, हम ओल्ड रेजिम में ही रहना चाहते हैं। ओके, देन वो पूछा कि आप 7 प्रोविजो 2 सेक्शन 139 के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप यहाँ पे नो कर दीजिए। ओके, अब हम नीचे आएंगे, आपको बेसिक डिटेल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आएगा, ऑटो पॉपुलेटेड, आप इसको कुछ भी चेंज मत कीजिए, या आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। देन हम जाएंगे फाइलिंग सेक्शन में, तो फाइलिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कि फाइल अंडर सेक्शन ये टिक किया हुआ, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है। सेक्शन 139(1) जो है ओरिजिनल रिटर्न के लिए, जो हम एलिजिबल नहीं है आज की डेट में फाइल करने के लिए। बी रिलेटेड रिटर्न भी हमारा ऑलरेडी टाइम लैप्स हो चुका है। थर्ड ऑप्शन है रिवाइज रिटर्न का, तो वो भी हमें एप्लीकेबल नहीं है। कंटिन्यूएशन ऑफ डिले, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। देन आपको जाना है सेक्शन 139(8) है, जो है अपडेटेड आईटीआर के लिए, जो सेक्शन है अपडेटेड आईटीआर के लिए, तो हमने वो सिलेक्ट किया। जैसे आप वो सिलेक्ट करके नीचे आप देखेंगे आपके 2 टैब ओपन हो जाएंगे, एक पार्ट ए एंड पार्ट बी एटीआर। हम इस पे स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 139(8) सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, आपको इस यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं करना है। ओके, देन आपको जाना है इनकम डिटेल्स पे। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी सबसे फर्स्ट स्टेप है, आईटीआर 1-3 इनकम्स के लिए फिल किया जाता है। फर्स्ट है सैलरी इनकम, सेकेंड है हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड थर्ड है अदर सोर्सेस इनकम। ओके, तो तीनों डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सैलरी डिटेल, तो अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है तो आप फॉर्म 16 से एज इट इज डिटेल फिल कर सकते हैं, जैसा भी फॉर्म 16 में मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आपको आपकी टोटल इनकम फॉर द ईयर, जितनी भी आपको सैलरी मिली है ग्रॉस सैलरी, आपको वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमारा 28,000 पर मंथ सैलरी है, तो इंटू 12 करके 3,36,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, तो परक्विट हमारे केस में नहीं है एंड अलाउंसेस भी हमारे सेक्शन में नहीं है, बट अगर आपके फॉर्म 16 में आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपका जो भी रिस्पेक्टिव अलाउंसेस आप क्लेम करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे ग्रॉस सैलरी से अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने ऑटोमेटिक ले लिया है तो आपको उसको मैन्युअली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने तो आप उसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मैक्सिमम इट कैन बी 2,500। देन आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप पे उन्होंने पूछा है आपका टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप सेल्फ, अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी बिलोंग करते हैं, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या आपने लेट आउट किया हुआ है, या तो आप खुद के लिए यूज करें या आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो उसका डिटेल आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में शो करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आपका टाइप, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। ओके, हमारे पास कोई भी सेल्फ, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है किसी के पास, हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करेंगे आपका रेंट अमाउंट आपको शो करने की जरूरत नहीं है, खुद को रेंट नहीं दे सकते हैं। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में आपको सिलेक्ट करना है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है। ओके, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका होम लोन है, आपने इंटरेस्ट पे किया तो आप वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कीजिए, अप टू 2 लाख आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। एंड अगर आपका लेट आउट है तो आपको ग्रांट रेंट रिसीव जितना भी आपको मिला है और आपने टैक्स जितना भी पे किया है उसका बेनिफिट लेके नेट अमाउंट आपका टैक्सेबल इनकम में शो कर सकते हैं। हमारे इसमें कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब हम जाते हैं थर्ड स्टेज पे, जहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेंशन करना है। तो इसमें आपकी और जो भी अदर इनकम रहेगी आपको वो इस कैटेगरी में मेंशन करना है। हमारे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे, जो भी आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, अगर आपकी और भी कोई इनकम रहेगी तो आप वो डिटेल यहाँ पे
भी मेंशन कर सकते हैं। हमारी और भी इनकम है, कमीशन इनकम, तो हम वो डिटेल यहाँ पे इंटर कर देते। तो कमीशन इनकम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हमने यहाँ पे कमीशन इनकम फुल कर दिया। अगर आपका डिविडेंड इनकम है तो आप यहाँ पे डिविडेंड इनकम कैटेगरी वाइज आपको कब मिला है वो डिटेल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में डिविडेंड इनकम नहीं है, हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। देन आपके पास कॉलम आता है आपका डिडक्शंस का, तो डिडक्शंस में आपके पास जो भी डिडक्शन है 80 सी में अगर आप फॉल करते हो कोई डिडक्शंस में, LIC आपने पे किया है, PF आपका कट डिडक्ट हुआ है, या आपने एन्युटी प्लान कोई भी डिफर एन्युटी प्लान लिया हुआ है, एंड और भी वेरियस जो भी ATC में कवर होते हैं, अगर आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट है तो अब यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन कीजिए। ओके, हमारे इसमें 10,000 का है, आप मेंशन कर देंगे। और भी अगर आपके रिस्पेक्टिव डिडक्शंस है, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपका पेंशन फंड का है रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओके, एंड 80D है अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करना चाहते हैं, आप उसके 80D यहाँ पे डिटेल आप फिल करेंगे तो वो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। ठीक है, हम नीचे जाएंगे, हम क्लेम करेंगे 80DTA का डिडक्शन जो रहता है इंटरेस्ट का अप टू 10,000, हमारा जो इंटरेस्ट मिला है 1890 का, हम उसका फुल्ली डिडक्शन क्लेम करेंगे। हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 306,330, जिस पे टैक्स लगेगा वो हमारा इनकम हो जाएगा टोटल इनकम 306,330। हम और ड्रॉप डाउन आएंगे नीचे, आपका अभी तक यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हुआ है क्योंकि हमने कैलकुलेट टैक्स जो ऊपर ऑप्शन है कैलकुलेट टैक्स का उस पर हमने क्लिक नहीं किया, हम पूरा डिटेल फिल करने के बाद पे उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हर एक स्टेज पे आपको वो एरर देगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे, यहाँ पे वो पूछेगा आपका अपडेटेड ITR रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये अगर आप सेक्शन 139(8)A सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये विंडो एक्स्ट्रा आपको फिलिंग करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये कंपलसरी डिटेल आपको फिल करना है। तो सबसे पहले उन्होंने आधार नंबर पूछा है, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आ रहा है, जैसे 22-23 के एक्सेल फाइल में ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा था, तो हम यहाँ से सिंपली कॉपी कर देंगे। आधार नंबर हमने मेंशन कर दिया है, देन आपका वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइलिंग, देन वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने पिछले साल इस असेसमेंट ईयर में जिसका आप ये ITR यू फाइल कर रहे हैं, आपने ITR फाइल किया था ओरिजिनल या रिलेटेड, आपको यहाँ पे सिंपली यस और नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में आपने फाइल किया था। पे दो ऑप्शन है, 139(1) विच इज फॉर ओरिजिनल रिटर्न एंड अदर्स। अगर आपने रिलेटेड रिटर्न फाइल किया है अपने अदर सिलेक्ट करना है, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करेंगे सिलेक्ट करेंगे, एंड देन आपसे वो पूछेगा कि आपने कौन सा ITR फाइल किया था उस साल में। उस साल में भी मैं अज्यूम करूं कि आपका ITR 1 ही रहेगा। जैसे आप डिटेल फिल करेंगे आपको यहाँ पे एक्नोलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हमने उस ईयर में फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 हमने कोई ITR फाइल नहीं किया था, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, मैंने सिर्फ आपको डिटेल समझाने के लिए आपको वहां पे यस किया था। अगर आपने भी पिछला 21-22 का ITR फाइल नहीं किया है तो अपने यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, देन ये पूरा नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा डिटेल्स। देन हम जाएंगे कि आप ITR यू फाइल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पे यस लेंगे, नीचे आपको उसका रीजन सिलेक्ट करना है कि आप कौन से रीजन से अपडेटेड ITR फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है कि आपने पिछला रिटर्न फाइल नहीं किया तो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने इनकम इनकरेक्टली शो किया तो ये ऑप्शन है इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। यहाँ पे और भी वेरियस ऑप्शन है जिसके अंदर में अगर फॉल कर रहे हो आप वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। यहाँ तक डिटेल फिल करने के बाद हमारा एक क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो ITR यू दो कैटेगरी में बाइफिकेट होता है कि अगर आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 12 मंथ्स के अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आप 20% ब्रैकेट में फॉल होते हैं, अगर आप 12-24 मंथ्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद तो आप 50% ब्रैकेट में फॉल होते हैं, आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगा वो 25-50% से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा कैटेगरी है, हमारा असेसमेंट ईयर 21-22, ओके,
22, 12 मंथ्स कंप्लीट होगा मार्च 23 में, 31 मार्च 23 में, ओके तो हमारा विद इन 12 मंथ वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, ओके तो इससे आप एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 आपका 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने का, इसके बाद आप अपडेटेड आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो हमने ये पूरा कैटेगरी फिल कर दिया है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे टीडीएस का। तो यहाँ पे आप जैसे ही टैब पे जाएंगे तो आपको दो पॉपअप आएंगे, आप इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका अगर कुछ भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है सैलरी से या अदर देन सैलरी से तो हम यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं, ओके आपके टेन वाइज आपको 26 AS में शो हो जाएगा, आपको कुछ भी डिटेल डिडक्ट रहेगा तो आप वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप जैसे ही डाटा प्रीफिल करेंगे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड डाटा ऑलरेडी आ जाएगा, आपको सिंपली टीडीएस क्लेम अमाउंट में अमाउंट डालना है, ओके तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा टीसीएस कुछ भी नहीं है तो हम इस पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे टैक्सेस पैड एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका समरी रहेगा कि आपने जो भी टैक्स अमाउंट पे किया है वो आपका यहाँ पे समरी आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे शो करना है या टाइप करना है, फिल करना है, जो कंपलसरी है एक बैंक अकाउंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कंपलसरी है, जिसको आप सिलेक्ट करना चाहेंगे कि रिफंड किस में आए, चाहे आपके आईटीआर में रिफंड हो या ना हो, बट आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे फिल करके उसको यहाँ पे क्लिक जरूर करना है, ओके तो हम यहाँ पे बैंक डिटेल फिल कर देंगे। तो बैंक डिटेल एंटर करने के बाद आपको नीचे जाना है जहां पे आपका वेरिफिकेशन का टैब रहेगा, आपका सिंपली वेरिफिकेशन डिटेल्स रहेगा, आपका नाम एंड आपके फादर का नाम एंड कैटेगरी कैपेसिटी रहेगा, ओके पैन नंबर होल्ड करेगा आपका एंड आपको प्लेस यहां पे ब्लैंक रहेगा, तो आप प्लेस यहां पे मेंशन कर दीजिए क्योंकि नहीं तो आपको वैलिडेशन पे आपको एरर आ जाएगा। बाकी आपको यहां पे कुछ भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। पार्ट बी ATI जो एप्लीकेबल होता है आईटीआर यू को, नॉर्मल आईटीआर में पार्ट बी ATI नहीं रहता है, ओके तो यहाँ पे आपके पास डिटेल आएगा कि कंप्यूटेशन ऑफ अपडेटेड रिटर्न एंड टैक्स पेबल। तो उसमें सबसे पहले एक कॉलम रहेगा कि आप एडिशनल इनकम, अपडेटेड रिटर्न में आप नॉर्मली एडिशनल इनकम जो रहता है वो डिटेल आप यहाँ पे फिल करते हैं, ओके तो आप कौन से हेड के अंदर आप एडिशनल इनकम फिल कर रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फाइव हेड्स हैं, ओके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। आप देख सकते हैं कि बिजनेस एंड कैपिटल गेन आपका आपको ओपन नहीं रहेगा फिल्ड, क्योंकि आईटीआर 1 में बिजनेस एंड कैपिटल गेन का डिटेल नहीं जाता है, आपके पास ऑप्शन रहेगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस का। जैसे कि हमने डिटेल डाला था सैलरी एंड अदर सोर्सेज का, जैसे करंट आईटीआर यू में हमने डिटेल डाला था, तो यहाँ पे आपके पास भी डिटेल्स रहेगा कि अगर आप पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं एंड फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे 2 लाख रुपए सैलरी शो कर चुके हैं, अब यहाँ पे आप अपडेटेड आईटीआर में 3 लाख सैलरी शो कर रहे हैं, तो जो भी आपका एडिशनल इनकम रहेगा, चेंज ऑफ इनकम रहेगा, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे इनकम शो करना है, ओके यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे हमारा पिछला रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपको यहाँ पे सिंपली 0 करना है, बट अगर आप पहला रिटर्न फाइल कर चुके हैं फॉर द सेम असेसमेंट ईयर एंड आप एक अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं तो जो भी आप इंक्रीज अमाउंट है उसका डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, ओके अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपडेटेड आईटीआर के थ्रू तो आप इसका जरूर माइंड में रखें कि आपको यहाँ पे कौन सा डिटेल इनपुट करना है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ 0 रहेगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे कि आपका टोटल इनकम एज पर अपडेटेड रिटर्न आपको कितना है, आपका इनकम डिटेल से ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, इनकम टैक्स पेबल इफ एनी, ओके तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा 0, अमाउंट डिपेंडेबल 0, ओके यहाँ पे आपके जैसे एक ग्रीन शीट रहेगा जिसमें आपको डिटेल फिल करना है, अमाउंट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वैलिड रिटर्न, ठीक है अगर आपने पिछला रिटर्न फाइल किया है इवन लेट फीस भी पे की है तो उसका आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है कि आप पिछले आईटीआर में कितना अमाउंट पे कर चुके हैं, हमने पिछला आईटीआर फाइल ही नहीं किया था ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न तो हम यहाँ पे 0 ही रहने देंगे, ओके तो अब आपको सिंपली नीचे आना है, आपको कुछ भी डिटेल फिल नहीं करना है नीचे, अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है अभी तक हमने कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक नहीं किया है, ओके तो ये डिटेल आप यहाँ पे एक बार का आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको इस शीट पे वापस लेके आ जाऊंगा। देन आपको जाना है सेक्शन 80D में, अगर आपका कुछ भी हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल है तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं, हमारे केस में नहीं है तो हम नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फॉर पेरेंट्स,
हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आपका डोनेशन का डिटेल है तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं, एंड अगर आपका साइंटिफिक रिसर्च पे डोनेशन है तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। समाज में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये डिटेल यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो हम एक बार वापस इनकम डिटेल पे आ जाएंगे। पूरा डिटेल फिल करने के बाद हम एक बार कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी इनकम टैक्स का लायबिलिटी होगा उसका कैलकुलेशन ये एक्सेल शीट करेगा एंड आपको शो करेगा कि आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी क्या आ रहा है इंक्लूडिंग लेट फीस। ओके, अगर आपका कुछ भी टैक्स नहीं आ रहा है बट लेट फीस आ रहा है तो वो भी आपका कैलकुलेट टैक्स करने के बाद आपको शो होगा। अब आप नीचे जाएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा 1000 का सेक्शन 234F में हमारा 1000 का लेट फीस आ रहा है। ओके, तो आपको जैसे पता था कि आपको 1000 का लेट फीस आना ही है तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके शो कर दिया। मैं आपको एक बार ऊपर दिखा दूँ, आपका टैक्स लाइबिलिटी आता था 2.5 के ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपका इनकम है उस पर आपका टैक्स लाइबिलिटी आता था जो अमाउंट है 2816, बट आपको रिबेट मिल गया 2816 का अंडर सेक्शन 87A। आपको टैक्स कुछ भी पे नहीं करना है, आपका जो भी लेट फीस है वो आपको पे करना कंपलसरी है। ओके, हम वापस जाएंगे पार्ट बी ATI पे। ओके, हम यहाँ पे भी वापस देख सकते हैं कि आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी है यहाँ पे भी उन्होंने कैच कर लिया है, जो वहां से ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है इनकम टैक्स से, एंड आपको टैक्स ड्यू में ये जो टैक्स ड्यू है यहाँ पे 1000 का वो लेट फीस शो कर रहे हैं। जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे आप फर्दर आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आपको 1000 का लेट फीस पे करना ही पड़ेगा तभी आप ITRU फाइल कर सकेंगे। अब हम जाएंगे डायरेक्टली इसको पेमेंट करने के प्रोसेस पे, तो वापस आपको सबसे जाना है इनकम टैक्स की साइट पे। ओके, आपको लॉगिन करना है आपके इनकम टैक्स के पोर्टल से। आप लॉगिन पे क्लिक करके डायरेक्टली इनकम टैक्स पे लॉगिन कीजिए आपके क्रेडेंशियल इनपुट करके। ओके, तो हमने लॉगिन कर दिया है, तो लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ओके, एंड न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इनकम टैक्स, आप इस पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पे केयरफुली असेसमेंट ईयर करेक्ट सिलेक्ट करना है, जो हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 का। ओके, एंड आपको टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको सिलेक्ट करना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी लेट फीस आ रहा है उसको 1000 का आपको जो लेट फीस आ रहा है यहाँ पे आप टैक्स अमाउंट में 1000 मेंशन कर दीजिए। अगर आपका कुछ एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगा एंड 25% आपका टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगा प्लस इंटरेस्ट आएगा प्लस लेट फीस आएगा। ओके, तो आपको जो भी टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है आप वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेजेस ऑप्शन है, वेजेस ऑप्शन है आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर, NEFT, RTGS। तो ये डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको कवर किया है, नेट बैंकिंग के तो आप कैसे पे कर सकते हैं। फॉर द ITRU फॉर द असेसमेंट 22-23 में हमने पूरा ये डिटेल कवर किया था, आप इसको कैसे पे कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने इनकम टैक्स में एक सेपरेटली वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स का पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है आपको असेसमेंट ईयर करेक्ट सिलेक्ट कीजिए, बाकी आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, तो ये डिटेल मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको वो चेक करना है तो आप हमारा सेपरेटली वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, तो डिटेल पे करने के बाद मैं डायरेक्टली आपको चालान पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेमेंट प्रोसेस कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सैंपल चालान के थ्रू आगे का प्रोसेस कंप्लीट करूंगा। ओके, तो हमारा ये सैंपल चालान है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल कवर है, 1000 सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने पे किया था। ओके, तो ये हमारे पास सैंपल चलन है जिसमें हम यहाँ से डिटेल इंपोर्ट करके आपको पूरा प्रोसेस आगे का कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टैक्स ड्यू है 1000 का, आपको जो आपने चालान पे किया है उसका डिटेल आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे टैक्स पेमेंट डिटेल में, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। यहाँ पे आपको 1000 का डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लाएंगे BSR कोड 0240129। ओके, डेट है 6th of March।
then challan serial number 278-27820, okay, and then आपको enter करना है amount. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे चालान का डिटेल इंसर्ट करेंगे तो आपका टैक्स ड्यू अमाउंट जीरो हो जाएगा एंड टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140 भी अमाउंट यहाँ पे 1000 शो हो जाएगा आपका. अभी रेडी टू फाइल अपडेटेड आईटीआर रेडी टू फाइल है, आपका पूरा डिटेल फिल हो चुका है. आपको टैक्स अमाउंट पे करना कंपल्सरी है, उसके बिना आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखिए. ओके, तो अब एक बार पूरा डिटेल चेक कर लीजिए. अगेन आप इनकम डिटेल पे जाइए, आपको अगेन कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है. ओके, तो आपका टैक्स फिर से कैलकुलेट हो गया. एक बार आप जस्ट क्रॉस चेक कीजिए कि आपका टैक्स ड्यू जीरो है. अगेन आपका टैक्स ड्यू अमाउंट जीरो है. ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स अमाउंट के नीचे एक ऑप्शन रहेगा जनरेट जेसन फाइल. हम जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आपके पास पॉपअप आएगा, जस्ट कंफर्मेशन पॉपअप आएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है. एंड आपका एक समरी पेज जनरेट हो जाएगा सेम एक्सेल शीट के अंदर. ओके, जहां पे आपके पास ऑप्शन रहेगा सेव जेसन फाइल का. अगर आपका वैलिडेशन पे या जेसन फाइल क्रिएशन पे आपका कुछ भी एरर आएगा वैलिडेशन का, तो आपको वो एरर सॉल्व करना पड़ेगा पहले, फिर से अगेन आपको वो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे आप ये स्टेप पे पहुंच जाएंगे समरी पेज पे, जनरेट होके आपको दे देगा एक्सेल फाइल, आपको सेव जेसन फाइल पे क्लिक करना है. ओके, देन आपका जेसन फाइल सेव हो जाएगा, जहां पे आपका आईटीआर 1 का एक्सेल यूटिलिटी है, एक्सेल फाइल है, वहां वो वाले सेम पाथ पे आपका जेसन फाइल सेव हो जाएगा. तो हमारा डाउनलोड में है, मैं आपको एक बार शो कर देता हूं. ओके, तो डाउनलोड में हमारा ये जो फोल्डर था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, जिसके अंदर हम ये एक्सेल फाइल पूरा फिल कर रहे हैं डिटेल आईटीआर यू, वहां पे एक जेसन फाइल सेव हो चुका है. ओके, तो आपका जेसन फाइल जो यहाँ पे सेव हो जाएगा, अब आपका ये फाइल रेडी टू अपलोड है. ओके, अब आप जेसन फाइल का फिलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ओनली अपलोडिंग प्रोसेस पेंडिंग है. तो अपलोडिंग के लिए आपको जाना है, वापस आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है. ओके, आपको आपके लॉगिन से incometax.gov.in से आपको लॉगिन करना है. ओके, आपको ई फाइल में जाना है जो लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे राइट लेफ्ट साइड पे रहेगा. ओके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, देन आपको फाइल इनकम टैक्स पे आपको क्लिक करना है. तो फाइल इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का. तो असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कीजिए फॉर द 21-22. ओके, देन आपको फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करना है जो आपका रहेगा अपडेटेड रिटर्न. ओके, देन आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे आईटीआर सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा आईटीआर टाइप है, आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, 4 है, जो भी है आपका. ओके, तो आपका आईटीआर 1 है, तो वो सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है. तो यहाँ पे आपके पास जस्ट एक पॉपअप आएगा, कंडीशंस आपने सेटिस्फाइड की है कि नहीं है आईटीआर यू रिलेटेड. ओके, तो यहाँ पे आपको एंश्योर करना है कि आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, कि आप रिटर्न लॉस का रिटर्न आप फाइल नहीं कर रहे हो, आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं की हो अगर आपने पिछला रिटर्न फाइल किया है तो. ओके, आपका रिफंड, आपका जो भी अपडेटेड रिटर्न है उसमें कुछ रिफंड नहीं होना चाहिए. अगर आपका ऐसा कुछ रहता था तो आपको वही एक्सेल फाइल में आपको एरर दे देता था. ओके, तो आपको ये सारी चीजें जो भी है इन्होंने आपको ये सारी चीजें इंश्योर करनी है. ओके, कि आप इसमें फॉल नहीं करते. ओके, देन आपको इस पे कंफर्म पे क्लिक करना है. तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका अपलोडिंग पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको जेसन फाइल जो हमने लास्ट स्टेज पे सेव किया था, जो आपके एक्सेल यूटिलिटी फोल्डर में सेव हुआ था, वो जेसन फाइल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. हम वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, देन आपको जेसन फाइल डाउनलोड में जाएंगे फोल्डर के अगेंस्ट में, देन आपको ये जेसन फाइल आपको सिलेक्ट करना है. ओके, तो हमने ओपन पे क्लिक किया. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कुछ भी वैलिडेशन एरर नहीं आया है, हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है. डेट मीन्स आपके फाइल में कुछ भी एरर नहीं है, आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे अपलोड कर सकते हो. तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगेन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे.
ओके, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इसको ई वेरीफाई लेटर करें, ठीक है? आपको ई वेरीफाई नाउ है, मतलब आपको इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन ही करना पड़ेगा। आपके पास के बाद ऑप्शन है कि हम बाद में इसको ई वेरीफाई करेंगे, आपको इसको तुरंत ई वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। देन आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है भी नहीं। ओके, देन हम आ जाएंगे वेरिफिकेशन पेज पे। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मोड्स हैं, आपके पास आधार ओटीपी का मोड है, आपके पास नेट बैंकिंग के थ्रू आप ईवीसी जनरेट करके ई वेरीफाई कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं या डीमेट अकाउंट से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप आधार ओटीपी, आधार पे जो मोबाइल नंबर अटैच है उस पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप रिट्राइव करके यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हम सिंपल वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन आधार ओटीपी का। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास जस्ट अगेन कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा आपके मैसेज पे। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। देन आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा आधार नंबर पे, आधार पे जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप रिट्राइव कीजिए। आप उस विंडो पे आपके पास ओटीपी इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका ITRU, updated ITRU जो रहेगा, ITR1 updated ITR, वो आपका सबमिट हो जाएगा। ओके, एंड सबमिट होने के बाद आपका फुल प्रोसेस कवर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में इन डिटेल फुल कवर किया हुआ है कि आप ITRU कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, और हमने ये भी कवर किया हुआ है कि ITRU फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आप कोई भी ईयर का आप ITRU आप इजिली फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको मतलब पूछना है, कुछ भी आपको दिक्कत जा रही हो आप खुद से फाइल करने के लिए, तो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे आपकी क्वेरी का। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हमारा इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, बट हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर किया हुआ है इस वीडियो में। तो आप प्लीज इसको फुल्ली देखिए, स्टार्ट टू एंड देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।